रुद्राक्ष संस्कृत भाषा का एक यौगिक शब्द है जो रुद्र रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को हमेशा मांस मदिरा और नशीली चीजों के सेवन से बचना चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी काले धागे में धारण नहीं करना चाहिए बल्कि लाल या पीले रंग के धागे धारण करना शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी इसे अशुद्ध हाथों से न छुएं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने वाले हैं ईसा लाइव रुद्राक्ष, जो कि ये मेरे भाई का पैकेट है शैलेश जायसवाल। तो आज मैं इसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जो कि हमारा पहले से एक ही वीडियो बन चुका है। और हम बताना चाहेंगे कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, सर हमें रुद्राक्ष पहनने से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और कैसे इसको पहनना है। तो हम इसी बेसिक पे आज ये वीडियो बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन बताएंगे जो कि आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा और देखते रहिए। तो अब चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं पैकेट को। तो अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें महादेव आदि योगी का फोटो और ये इसमें इसको प्रयोग करने के लिए गाइडलाइंस दिए गए हैं। हिंदी, इंग्लिश और तमिल, तेलुगु, मलयालम, चार पांच भाषाओं में हैं। तो इसको यहाँ पर, और ये सेफ सॉइल, इसमें मिट्टी बचाओ अभियान का है हमारे सतगुरु जी महाराज, जो कि इंडिया के। और इसमें है ये रुद्राक्ष, जो कि इसमें कुछ लग चुका है। तो भी इसको देखते हैं क्या है। ये विभूति है और ये धागा है यहाँ पर, खाली है यहाँ पर रख देते हैं। तो जल्दी जल्दी करते हैं, खोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रुद्राक्ष को करते हैं। ये रुद्राक्ष है और तीन रुद्राक्ष मिले हुए हैं, तो यहाँ पर रखते हैं। और ये विभूति है, इसमें महादेव की विभूति लगाने के लिए दिया गया है। और ये धागा है, देखते हैं। आपको हमने पहले ही वीडियो में दिखाया था ये सब। तो इसमें देखिए आपको दो धागे मिले होंगे, जो कि इसमें एक गले वाला है। इसमें देख सकते हैं आप दो धागे हैं, ये एक एक और दो दो धागे हैं। एक देखिए ये बहुत बड़ा है, जो कि ये हाथ में बांधने के लिए है, इसको हाथ में बांध सकते हैं, जो बड़ा वाला है। एक पैकेट में दो धागे दिए, और ये गले वाला है, तो ये गले वाला थोड़ा छोटा है। तो आप सब जब इसको अनबॉक्स करेंगे तो देख सकते हैं इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। इस तीनों में ही ऐसे धागे हैं, एक दो मतलब तीन रुद्राक्ष हैं। तो तीन गले का धागा दिया गया है और तीन हाथ में का, हाथ में बांधने के लिए इसमें भी धागे ही हैं। तो सब में दो दो धागे हैं, तो ताकि इसमें तीनों रुद्राक्ष को बांधकर पहन सकें और ये हाथ में पहन सकें। तो ये हो गया। अब इसको कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले आप इसको इधर करते हैं। ये दूध और घी और ये हमने घी को लिया है, देसी घी गाय का, और ये गाय का कच्चा दूध, और ये गंगा जल है। अगर आपके पास साफ़ पानी हो तो साफ़ पानी ले सकते हैं। तो इसको उपयोग करने के लिए आप, अगर आप तीनों रुद्राक्ष को पहनना चाहते हैं तो तीन रुद्राक्ष एक साथ नहीं पहन सकते। तो जैसे कि अगर आपके घर में तीन लोग हैं तो तीनों को भिगो दें, जैसे कि हम अभी एक ही भिगोएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रुद्राक्ष सब घर में रह चुके हैं। तो हमें बस एक ही, हम आपके बस वीडियो के लिए एक रुद्राक्ष को बताते हैं कैसे क्या करना है। तो आप इसमें से आप तीनों या एक ही रुद्राक्ष, अगर आपको ही पहनना है तो आप एक रुद्राक्ष लेकर इस घी में 24 घंटे के लिए, आप भिगो कर रख दीजिए। जब आप इसे 24 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद अगले दिन इसे उसी टाइम, जिस टाइम आप एक दिन पहले भिगोया था उसी टाइम आप इसे निकाल कर इसमें 24 घंटे के लिए हो जाएँ, इस गाय के कच्चे दूध में भिगो कर 24 घंटे के लिए ही रख दें।
24 घंटे घी में, फिर 24 घंटे आप दूध में भिगो कर रख दें। जब 24 घंटे हो जाएं तो इसमें से निकाल कर इसे एक, या अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल में इसे धो लें, नहीं तो आप साफ़ पानी लेकर उसमें अच्छी तरह से इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रखें ताकि इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन दूर हो जाए, और इसे गर्म पानी से बिल्कुल ना धोएं। और बस इसके बाद इसको इसमें से धोकर अच्छे से, तो आप इसे धोकर देखिए थोड़ा ये चिपचिपा हो जाता है, घी लग जाते हैं इसमें, तो इसको अच्छी तरह से धोकर फिर इसमें आप विभूति जो मिला है, ये विभूति इसको आप थोड़ा सा विभूति हाथ में निकालें, ऐसे निकाल कर इस रुद्राक्ष को आप इसमें पूरी अच्छी तरह से ऐसे मिल पूरा लग जाए, उसके बाद आप इसमें विभूति लगाकर इसे बस 10 मिनट के लिए अलग से कहीं साफ़ जगह रख दें, तो हमने यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद हम आपको इस जो घी आपका है, इस घी को आप खाने में तो अपने किसी जैसे पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे दिया जला सकते हैं, भगवान के सामने दिया ना जलाएं इसका घी का, और इस दूध को आप खाने पीने में उपयोग ना करें, इसको किसी पेड़ पौधे के नीचे गिरा दें या इसको मिट्टी में जैसे गिरा दें, और इस पानी को भी आप कहीं पौधे में ही गिरा दें, इसको खाने पीने में एकदम प्रयोग ना करें। तो अब ये हो गया और इसको हम साइड रखते हैं। वैसे हमें तो पता नहीं ये लोग काला धागा किस लिए दिए हैं, क्योंकि हमने बहुत जगह पंडित से पूछा और गूगल पे भी सर्च किया, जो कि बताया गया कि रुद्राक्ष को कभी काले धागे में धारण करके नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष बेहद पवित्र होता है, इसलिए इसे कभी अशुद्ध हाथों से न छुएं और स्नान करने के बाद शुद्ध होकर ही इसे धारण करें। रुद्राक्ष धारण करते समय शिवजी के मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। स्वयं का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी भी किसी दूसरे को धारण करने के लिए नहीं देना चाहिए। और अगर आपको ये काला धागा रुद्राक्ष में नहीं पहने तो हाथ में बांधकर पहन सकते हैं, लेकिन काले धागे में कभी भी रुद्राक्ष डालकर ना पहने। तो हम आज ये काला धागा का उपयोग नहीं करेंगे, हमने बाज़ार से ये लाल धागा और पीला धागा खरीद कर लाया है। तो हमने गूगल पे भी सर्च किया तो वहाँ पर पता चला कि आप रुद्राक्ष को लाल या पीले धागे में धारण कर सकते हैं। तो अब और आप ये जो हाथ में बांधने वाला रक्षा आता है, आप इसमें भी धारण कर सकते हैं। तो आपको जो मर्जी, अगर आपको आप बाज़ार से ये सब खरीद कर ला सकते हैं और पहन सकते हैं, तो आप इस रुद्राक्ष को इसमें डालेंगे और ये थोड़ा मुश्किल से इसमें जाता है, तो इसमें देखिए ये देखिए, और आप इसे अपने गले में धारण कर सकते हैं। अगर आपको पीला धागे में पहनना है तो पीले धागे में पहन सकते हैं, अगर आपको रक्षे में बांधकर पहनना तो पहन सकते हैं। तो अब ये हो गया, और अगर आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना है तो आप अपनी दुकान या ऑफिस जाते हो तो आप अपने दुकान के मंदिर में या ऑफिस में इस रुद्राक्ष को ये पीला कपड़ा और लाल कपड़े में, किसी भी कपड़े में आप बांध कर रख सकते हैं। जैसे कि इसमें रख कर ऐसे पोटली बनाकर इसे किसी जैसे इस पीले धागे से बांध कर आप अपने मंदिर जैसे दुकान में रख सकते हैं, या घर के जहाँ घर आप पूजा करते हैं जिस घर में, वहाँ उस पूजा के घर के मंदिर में रख सकते हैं, या अगर आप ऑफिस जाते हैं वहाँ अपने काउंटर में ऐसे ही बांध कर रख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो, नहीं तो आप इस कपड़े ये पीले कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। तो ये हो गया, और बहुत लोगों का जैसे ये धागा रुद्राक्ष में नहीं जाता तो इसका एक आसान ट्रिक है, ये लाइन का बिजली का तार है, तो इसमें से आप एक ये निकालिए, इसमें से तांबे का जो तार होता है इसको निकाल कर ऐसे, और हम दिखाते हैं इसको, इस धागे को ऐसे मोड़िए और इस जो तार को इसमें ऐसे करके थोड़ा तार जैसे टाइट हो जाएगा, तो इसको ऐसे मोड़ कर और इस धागे को इसी में ऐसे बजा कर इसमें आराम से ऐसे डाल दें, फिर देखिए ऐसे खींच लें, आराम से चला गया। तो आप आसान ट्रिक है, आप आजमा सकते हैं ये बिजली का तार, इसको भी साइड रखते हैं, और ये हो गया। और रुद्राक्ष में जो धागा आप बांध कर पहनते हैं उसको काट कर कभी ना निकालें। और इसमें एक बात है जो कि हमने आपको बताया नहीं, ये देखिए आप, इस ये पांच मुखी रुद्राक्ष है, जैसा कि देखिए इसमें पांच लगीरें हैं, ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस ये पांच मुखी रुद्राक्ष है, और ये भी देख सकते हैं इसमें भी पांच ही, इसको पांच मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है।
तो ये इसमें जैसे कि 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष आते हैं, तो इसमें जैसे अगर एक मुखी जो रुद्राक्ष रहता है वो थोड़ा जैसे ये क्या कहते हैं जो आप कौड़ी एक होता है, आप देखे होंगे जो सब अपने पूजा के मंदिर में रखते हैं कौड़ी, वो पानी में मिलता है वही उसी तरह ये रुद्राक्ष होता है, उसे एक मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। और जो दूसरा मुखी रुद्राक्ष रहता है 2 लकीरें रहेंगे, ऐसे करके 14 लकीरें होती हैं, तो उसे 14 मुखी रुद्राक्ष कहता है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे रुद्राक्ष को धारण करना है और क्या करना है, तो हमने अब इस रुद्राक्ष को पहनेंगे। और इसे पहनते वक्त आप ओम नमः शिवाय का जाप करें 3 बार, उसके बाद इसे धारण करें। धारण करते समय इसे 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करें। और इसे सोमवार जैसे मंडे के दिन आप इसे धारण करें। और इसे जैसे कि हमें इस वीडियो को बनाने के लिए हमें मंडे का वेट करना पड़ा, तो आज है मंडे और हमने सोमवार के दिन इसे पहना है। तो और हम आप लोगों को बता दें कि इसे इस रुद्राक्ष को आप सब पहनकर ना, तो आप जैसे किसी का जन्म होता है वहाँ पर पहनकर ना जाएं, इसे उतार दें, या किसी की जैसे डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आप इसे पहनकर ना जाएं। तो आप इसे इस रुद्राक्ष को बहुत ही साफ़ सफाई से उपयोग करें। आप इसे स्नान करने के बाद सोमवार के दिन धारण करें। और आपको कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हम आपको बता देते हैं। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, तो आप सब देख ही सकते हैं। ये तो आप इसे पहनकर चिकन वगैरह ना खाएं, अगर खाते हैं तो इसे उतार कर आप चिकन वगैरह खा सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन नहा कर स्नान करने के बाद इसे धारण कर सकते हैं। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट बात। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा कितने मुखी का रुद्राक्ष मिला है। हमें तो 5 मुखी का रुद्राक्ष मिला है, बहुत लोगों को 3 मुखी का, 1 मुखी का मिल जाता है। तो और आप एक एक रुद्राक्ष ही पहने, तीनों को ना पहने, या तो आप एक रुद्राक्ष पहने या 27 या आप 108 रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो अगर आप साफ़ सफाई से इसका पालन कर रहे हैं, इस रुद्राक्ष को पहनकर, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि रुद्राक्ष जो पहनता है उसे अच्छी तरह साफ़ सफाई और बहुत से सारे चीज़ों को ख्याल में रखते हुए रुद्राक्ष को पहने। तो अगर इस रुद्राक्ष को आप अपने दुकान में इसे लाल या पीले कपड़े में बांध कर रख सकते हैं, मंदिर की जगह आप रख सकते हैं। और अगर आप ऑफिस में या जॉब करते हैं तो आप अपने जो काउंटर डेस्क होता है उसके अंदर कपड़े में बांध कर, लाल या पीले कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। और आप अपने घरों में भी रख सकते हैं कपड़े में बांध कर। तो ये हो गया। और आप कभी इस रुद्राक्ष को लाल या पीले धागे में ही बांध कर पहने। और हम आप लोगों को बता दें कि हमें पहले भी नहीं पता था कि ये रुद्राक्ष को काले धागे में नहीं पहनना चाहिए, और फिर हमने आप सबको बता दिया कि काले धागे में पहने। तो आप उस वीडियो को ना देखकर इस वीडियो को देखें जो इस बार हम अपलोड करने वाले हैं। और आप लोगों ने कमेंट किया कि हमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि रात में नींद नहीं आ रहा है या किसी को बेचैनी हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आप ऐसे जो हमने आपको बताया ऐसे करके पहने। अगर फिर भी आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे और उस पर और ज़्यादा पता करके सर्च करके फिर आपको बताते हैं कि आपको कैसे इसको पहनना है। तो हमने अपनी तरफ से बहुत सारे सर्च किए हैं और पंडित से पूछा, अपने पंडित से पूछा, बहुत सारे मंदिरों में जाकर पूछा कि कैसे क्या करना है। तो हमें जो पता चला वो हमने आप सबको बताया। तो बहुत सारे मेहनत लगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो और इम्पॉर्टेंट बात, आप ये सेफ सॉइल, आप मिट्टी बचाओ अभियान में जुड़ सकते हैं सतगुरु जी महाराज के साथ, जो कि मिट्टी को कैसे बचाया जाए तो इसके बारे में ये बताते रहते हैं। और इन्होंने जल्द ही गए थे लंदन, गए से आपको पता होगा। तो ये पैकेट, तो हमारे पास बहुत सारे पैकेट आए थे क्योंकि हमने अपने घरों में सब मोबाइल से ऑर्डर किया था, जो कि हमारे पास अभी पैकेट 7-8 पैकेट आ चुके हैं। तो अभी ये हमने अपने भाई का पैकेट खोला है, तो आपके वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको फिर से प्रॉब्लम कोई होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, और आप भी अपना ख्याल रखें और कमेंट करना ना भूलें। तो तब तक के लिए नमस्कारम।